अल्लाह ताला की खातर जायज़ चीज़ों को भी छोड़ते हुए, अल्लाह ताला की खातर भूख प्यास बर्दाश्त करते हुए, अल्लाह ताला की इबादत में पहले से बढ़कर तवज्जो देते हुए, बंदों के हकूक़ की अदायगी की तरफ ख़ास तौर पर तवज्जो देते हुए पूरा करो इन कमियों को, और जब ये करोगे तो इसका नाम तकवा है, और यही रमज़ान का और रोज़ों का मकसद है। और जब इंसान इस नीयत और इस मकसद के हसूल के लिए रोज़े रखेगा और रमज़ान में से गुज़रेगा और नेक नीयत होकर गुज़रेगा, तो फिर ये तब्दीली आर्जी नहीं होगी बल्कि एक मुस्तकिल तब्दीली होगी। फिर हुकूकुल्लाह की अदायगियों की तरफ भी मुस्तकिल तवज्जो रहेगी, इबादतों के हक़ अदा करने की तरफ भी मुस्तकिल तवज्जो रहेगी, दुनिया की मसरूफियात और लगवियात गलबा नहीं करेंगी, और इंसानों के हकूक अदा करने की तरफ भी उम्मीद तवज्जो रहेगी। अपने ज़ाती मफादात के लिए हम लोगों के हक मारने वाले नहीं होंगे। अगर हम इस नीयत से और इस इरादे से रोज़ों के महीने में दाखिल नहीं हो रहे तो हमारा रमज़ान में दाखिल होना बेफायदा है।